हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से कार्तिक आर्यन की एक और अपकमिंग एंड मच अवेटेड फिल्म आशिकी 3 को लेकर। ऐसे में आपको पता है कार्तिक आर्यन का लाइनअप बहुत बड़ा है और उनके पास काफ़ी सारी फिल्में हैं। अब ऐसे में बात करूँ मैं आशिकी 3 को लेकर, जिसकी अनाउंसमेंट सितंबर में हुई थी 2022 में। एक साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाले हैं। और ऐसे मैं बात करूँ फिल्म की स्टारकास्ट की, अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है तृप्ति डिमरी को लेकर। जी हाँ, एनिमल में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है इस कैरेक्टर्स के मेन लीड प्ले करने के लिए अपोजिट कार्तिक आर्यन। यानी कि जहाँ तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर को इस फिल्म के लिए, अब कन्फर्म होते हुए नजर आ रही है तृप्ति डिमरी मेन लीड में अपोजिट कार्तिक आर्यन। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई कार्तिक आर्यन के अपोजिट तृप्ति डिमरी को आप देखना चाहोगे या फिर श्रद्धा कपूर को? आपकी राय आप लोग कमेंट में कर सकते हो। अब बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं जाने माने डायरेक्टर अनुराग बासु, जो कि इससे पहले भी न जाने कितनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो बेस्ट फिल्म मेरे को लगी अभी तक वो थी लूडो, क्योंकि आप अगर लूडो को देखोगे ना, उसमें 4 अलग अलग स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि इक्वली रन हो रही हैं। वैसे अगर बात करूँ मैं आशिकी 3 को लेकर, तो ये एक अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी और इस फिल्म का फैन बेस अलग ही है, स्टारडम अलग ही है। तो क्या लगता है कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिकी 3, जो कि चांसेस हैं इसी साल रिलीज़ हो, क्या लगता है कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी? 20 करोड़, 25 करोड़ या इससे कहीं ज़्यादा? क्या ये फिल्म फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाएगी? आपकी राय आप लोगों में मेंशन कर सकते हो। और आप कितने एक्साइटेड हो कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 को लेकर? आपकी राय मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।